हेलो फ्रेंड्स, एक ही कार फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने है TVS का शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर IQ। तो आज के वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे कि ये स्कूटर हमें कितने का मिल जाता है, इसमें क्या बैटरी लाइफ मिलती है, कितने किलोमीटर ये एक चार्जिंग में चलती है। तो सभी चीज़ें देखेंगे, उसके लिए आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी टाइप के कंटेंट मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। इसके हम सबसे पहले फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा डिज़ाइन देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ आती हैं, स्कूटर आते हैं, तो समझ लीजिए कि इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। ये नॉर्मल स्कूटर ही लगता है, कहीं से भी इलेक्ट्रिक नहीं लगता। जैसे इलेक्ट्रिक वाली जो भी चीज़ें होती हैं, तो आपने देखा थोड़ा सा उसका डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। पूरा फ्रंट का व्यू देखेंगे तो ऊपर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है, नीचे लिप में देखेंगे तो यहाँ पे DRL दिया गया है। और ये जब ऑन होता है ना तो गजब का दिखता है, और मैं एक बार ऑन करके दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें। नीचे देखेंगे तो TVS की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे भी पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया गया है। उसके साइड में देखेंगे तो पूरा ही आपको प्लास्टिक यूज किया गया है। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको IQ की बैजिंग मिल जाती है, और नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको हेडलैम्प मिल जाता है। पूरा ही आपको LED का सेटअप है, और इसका थ्रो बहुत शानदार है। और ये जो गार्ड लगा हुआ है, तो ये एसेसरीज का पार्ट है, ये आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलता। और नीचे देखेंगे तो ये आपको बम्पर मिल जाता है। सभी चीज़ें आप देखेंगे तो A1 क्लास की हैं, कहीं पे भी आपको कोई डिग्रेड फील नहीं होगा। नीचे देखेंगे तो आपको डायमंड कट का अलॉय भी मिल रहा है, जो देखने में बहुत प्यारा लगता है। आगे आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। और अगर टायर साइज की बात करते हैं तो 12 इंच का दिया गया, पूरी तरह से ट्यूबलेस टायर है। डिस्क ब्रेक देखेंगे तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मस्कुलर फील करवाता है। ये तो हो गया इसके पूरे फ्रंट व्यू की कहानी। अब एक बार हम थोड़ा सा साइड का देखते हैं। इसमें आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो आप सिलेंडर रख सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइड की प्रोफाइल भी आप देखेंगे तो अच्छा लगता है। इसमें आपको 645 mm की विड्थ मिल जाती है। इसमें सीट भी आपको अच्छी मिल जाती है, पूरी तरह से कुशनिंग वाली है, लेदर रैप टाइप की सीट है। इसमें 2 लोग आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा सामान आ जाएगा आगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मार्केट जाएंगे। इसमें अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है, तो ऊबड़ खाबड़ रास्तों को भी आसानी से पार कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो एसेसरीज का पार्ट है तो आप लगवा सकते हैं। पूरा ही आप देखेंगे तो अच्छी बॉडी का यूज किया गया है। IQ इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे आपको वेरिएंट की बैजिंग मिल जाती है। जैसे ये S वेरिएंट है, और इसके ऊपर आप देखेंगे तो ST वेरिएंट भी आने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है। पीछे का टायर भी आप देखेंगे तो 12 इंच का ट्यूबलेस टायर ही है, और ये चौड़ा टायर है। तो ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं ना, कि ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा वीक टाइप पर लगता है, लेकिन ये स्कूटर आप देखेंगे तो कहीं से भी ऐसा फील नहीं होगा, बहुत प्यारा लगता है। पीछे का आप पूरा व्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का है। IQ की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे क्यू पार के शिफ्ट के साथ है। और नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा LED का यूज किया गया है टेल लैम्प में। आपको सिर्फ बल्ब में आपको ये साइड वाले इंडिकेटर मिलते हैं, और ये आप इसे फ्रीज पे लगवा सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको TVS की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे नंबर प्लेट लगवा सकते हैं, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। तो ये तो हो गई इसके पूरे रियर व्यू की कहानी। अब एक बार आप इसका इधर साइड का व्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, दोनों साइड देखने में अच्छा लगता है। इलेक्ट्रिक यहाँ पे आपको इस TVS की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं, और इसमें आपको 17 लीटर का बूट मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो पीछे वाले पैसेंजर के लिए, लेडीज़ के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट दिया गया है, जो एडजस्टेबल है, देखने में अच्छा लगता है। इधर साइड भी देखेंगे तो आपको बैजिंग मिल जाती है, और इधर साइड भी आपको फुट रेस्ट मिल जाता है। तो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो बहुत अच्छी हैं। और इस गाड़ी में एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, जैसे साइड स्टैंड भी दिया गया है, मेन स्टैंड भी दिया गया है। आजकल कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर लेती हैं, साइड स्टैंड नहीं देती हैं या मेन स्टैंड नहीं देती हैं, इस टाइप से सारी चीज़ें रहती हैं। अब एक बार मैं इस गाड़ी की आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मैं हूँ भोपाल में कोहिनूर TVS MP नगर में, तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको लगभग 1,85,000 रुपये की मिल जाएगी। अब आप इसकी की देखेंगे तो देखने में ये भी बहुत प्यारी लगती है। जैसे एक बार मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ, इसमें आपको फ्लिप की मिलती है, जिस टाइप से आपको कार वगैरह में की मिलती है उसी टाइप से इस गाड़ी में मिलती है। जैसे आप देखेंगे तो इसको फ्लिप कर सकते हैं, और इसमें एक चीज़ और है, इसमें आपको लाइट मिलती है। जैसे अंधेरा रहता है तो की इन्वर्ट करने की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप जैसे टॉर्च वगैरह मिलती है उस टाइप से है, तो आप यहाँ पर इसको इन्वर्ट करके आप इसको ऑन कर सकते हैं पूरा इग्निशन। ये देखने में अच्छी लगती है, कि थोड़ी सी बड़ी है तो घूमने की दिक्कत नहीं रहती। अब एक बार मैं इसका इग्निशन ऑन करके आपको आगे की लाइट दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे रात के टाइम में तो ये बहुत ही शानदार लगती है। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे तो गजब की लगती है, ऊपर का DRL तो बहुत ही शानदार लगता है। इसका अगर आप डिस्प्ले देखेंगे तो यहाँ पे 7 इंच का TFT डिस्प्ले यूज किया गया है, जो देखने में बहुत प्यारा लगता है। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें दी गई हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिसिंग दिखे। इसमें 2 मोड होते हैं, एक इको और दूसरा स्पोर्ट। अगर आप स्पोर्ट में चलाएंगे तो आपको एक चार्ज में लगभग 75 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, और अगर आप इको में चलाएंगे तो लगभग आपको 100 किलोमीटर चलेगा।
इधर देखेंगे तो आपको लो और हाई बीम के लिए इंडिकेटर, हॉर्न और ये स्टार्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और इधर देखेंगे तो आपको मोड मिल जाते हैं, यहीं से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर आपको हजार्ड की लाइट मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें हैं जो देखने में बहुत प्यारी लगती हैं। और ये लगभग 100 अगर किलोमीटर जाती है नेक चार्जिंग में तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें 3 किलोवाट की बैटरी दी जा रही है जो लगभग 4.5 घंटे में 80% चार्ज भी हो जाती है। और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 75 किलोमीटर है। और अगर इसको आप थोड़ा सा तेज़ भगाना चाहते हैं तो ये 4 सेकंड में लगभग 40 की स्पीड भी पकड़ लेती है। तो आप अगर इसको आप थोड़ा सा खींचेंगे, स्पीड भी करेंगे ना, तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही शानदार इसमें बैटरी आपको मिलती है। ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो ये देखने में भी बहुत प्यारा लगता है, इसमें अच्छी बैटरी भी मिल जाती है, अच्छा रेंज भी मिल जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मैंने कुछ भी मिस किया हो तो आप वो भी कमेंट करके बताना। और इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप TVS की कोई न्यू स्कूटर या कोई न्यू बाइक परचेस करना चाहते हैं तो कोहिनूर TVS MP नगर भोपाल विजिट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।